दोस्तों, जब भी मंथ की एंडिंग आती है और सैलरी या अर्निंग हमारे पास आती है तो पैसे सेविंग करने का विचार आता है। और तभी हम में से ज्यादातर लोग यही कहते हैं कि बस ये मंथ जाने दो। अगर फ्यूचर में हमारी थोड़ी सी अर्निंग और ज्यादा बढ़ जाए तो हम बहुत सारा पैसा एक साथ बैंक के सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट कर देंगे, लेकिन आगे ये कभी नहीं हो पाता और हमारी सेविंग भी कभी नहीं हो पाती। लेकिन अगर आप सच में अपना पैसा सेव करना चाहते हैं तो आपको ऐसा सोचना बिल्कुल छोड़ देना चाहिए और आज से ही छोटी सेविंग करने के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि अगर आप छोटी सेविंग स्टार्ट करते हो तो आप हकीकत में बहुत बड़े फायदे उठा सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग कर पाते हो और सेविंग किए हुए पैसों पर अर्निंग कर पाते हैं। अब यहाँ छोटी सेविंग को बहुत ही अच्छी तरीके से समझने के लिए हम आपके साथ एक स्टोरी शेयर करते हैं। एक घर में एक परिवार रहता था और उस परिवार में पति, पत्नी और उनके दो बच्चे मिलकर चार लोग थे। उस पति को हर मंथ के एंड में सैलरी मिलती थी और सैलरी मिलते ही वो कुछ रुपये अलग निकाल कर रख देता था और उस रुपयों में से वो चार अलग अलग तरह के नोटों में बांट देता था और उन नोटों की अमाउंट भी अलग अलग होती थी। और उस दिन घर आने के बाद पति अपनी पत्नी के साथ एक गेम खेलता था और वो अलग अलग चारों नोटों को एक टेबल पर रख देता और पत्नी को कोई भी एक नोट उठाने के लिए कहता और उनकी पत्नी हर बार सबसे छोटी नोट उठा लेती और वो नोट सेविंग अकाउंट में डाल देती और ऐसा हर मंथ होता था। और यही गेम बहुत सालों तक चलता रहा और टाइम के साथ सारे नोटों की कीमत भी बढ़ती रही, लेकिन फिर भी उनकी पत्नी उस गेम में सबसे छोटी ही नोट उठाती थी। टाइम के साथ बच्चे भी बड़े होते गए और बच्चों ने एक दिन उन्होंने माँ से कह दिया कि माँ, तुम्हें दुनियादारी की समझ ही नहीं है, आपको नोटों की कीमत करनी ही नहीं आती, क्योंकि उसकी कीमत उसके रंग से नहीं बल्कि उसकी वैल्यू से होती है। जब आप वो गेम खेलते हो तो उसमें आप हर बार सबसे छोटा नोट उठा लेती हो और अगर उसकी कैलकुलेशन करे तो इतने सालों में आपका बहुत ही नुकसान हुआ है। ये बच्चों की बातें उनकी माँ ने सुनी और फिर हंसकर उनको जवाब दिया कि मुझे ये पता है कि ये नोटों की कीमत रंगों से नहीं की जाती बल्कि उनकी वैल्यू से की जाती है और उस गेम में जो नोट आप सबकी नज़र में सबसे छोटी है लेकिन मेरे लिए हकीकत में वो सबसे बड़ी नोट होती है और मुझे ये भी पता है कि मैं हर बार सबसे बड़ी नोट ही उठाती हूँ। यह बात सुनकर उनके बच्चे और उनके पति बहुत ही कंफ्यूज हो रहे थे, इसीलिए उनकी माँ ने उन सभी को छोटी सेविंग के बड़े फायदे समझाने लगती है और उन्होंने जो अपनी बात कही उसका मतलब समझाते हुए अपने बच्चों और पति से कहा कि अगर मैंने पहले ही दिन इस गेम में सबसे बड़ी नोट उठा ली होती तो यह गेम पहले ही दिन खत्म हो जाती, क्योंकि उसका रीजन यह है कि उस बड़े नोट को उठाने के बाद उस मंथ अपना घर खर्च चलाने के लिए बहुत ही दिक्कत आती और मुझे ही मेरी गेम में उठाई हुई बड़ी नोट अपने घर के खर्चों के लिए वापस देनी पड़ती और नेक्स्ट मंथ ये गेम होती ही नहीं, क्योंकि ये प्रॉब्लम हर मंथ क्रिएट हो जाता। लेकिन यही सोचकर मैंने छोटी नोट को लेना स्टार्ट किया और वो छोटी नोट लेने से हमारे घर के खर्चों पर भी कोई बड़ी असर नहीं हुई और उस वजह से मुझे मेरे पैसे अपने पास रखने के लिए मिल गए और ये गेम हर मंथ चलता रहा। और इस छोटे नोट को लेने की समझदारी की वजह से मुझे पिछले 25 सालों की कैलकुलेशन करे तो एक साल में 12 नोट मतलब 25 साल के मैंने 300 नोट हासिल करी है और इन सारी की सारी नोटों की कीमत उस पहले मंथ के बड़े नोटों की वैल्यू से कहीं ज्यादा है। लेकिन अगर मैंने पहले मंथ की गेम में ही बड़ी नोट उठा ली होती तो ये गेम पहले मंथ में ही खत्म हो जाती और अगर ऐसा होता तो फिर मुझे इतने सारे छोटे नोट जमा करने को नहीं मिलते। तो इस तरह से मैंने हर मंथ सबसे बड़ी नोट उठाई है और उन नोटों से सबसे ज्यादा फायदा भी कमाया है और उन छोटी नोटों की सेविंग करने से किसी ने उन पैसों से कोई उम्मीद ना रखी, इसीलिए हर मंथ लिए हुए सारे पैसे आज भी मैंने बैंक में रखे हुए हैं और मुझे उन पैसों पर हर मंथ इंटरेस्ट भी मिलता जा रहा है। ये सारी बातें सुनकर पति और उनके बच्चे तो स्पीचलेस और शॉकिंग हो चुके थे और इस छोटी स्टोरी से हम लोग बहुत सारी बातें सीख सकते हैं। इस स्टोरी से पहली बात जो हम सीख सकते हैं वह बात है सैलरी या इनकम आते ही खर्च करने से पहले उनमें से सेविंग कर लेना और ये बात हमने कई सारे वीडियो में बताई हुई है जो वीडियोस आपको एंडिंग में मिल जाएगी, क्योंकि जब भी आप अपने खर्चों से पहले ही उनमें से थोड़ा पार्ट सेविंग कर लेते हैं तो आप अपने खर्चों को मंथ के हिसाब से प्लान कर पाते हैं। और इस स्टोरी के मुताबिक जैसे पति और पत्नी सैलरी आते ही
किसी भी खर्च से पहले इसका छोटा सा हिस्सा निकाल देते थे और ऐसा करने की वजह से उस घर के खर्चों में भी अभी भी उस पैसों की कमी बिल्कुल महसूस नहीं हो पाई। इसीलिए इसकी स्टोरी के जैसे ही आपको भी सेविंग कुछ इस तरह से ही करनी होगी। और सबसे पहले आप एक अमाउंट सेविंग करने के लिए तय करें और उस अमाउंट को सैलरी या इनकम आते ही सबसे पहले अलग निकाल कर रख दें और उसके बाद ही उस मंथ का खर्च करने का सोचें। और साथ में आपको ये ध्यान रखना है कि जो अमाउंट तय करते हो वो अमाउंट छोटी अमाउंट होनी चाहिए, ताकि उस वजह से वो छोटी अमाउंट को निकालने के बाद भी आपको उस मंथ के अपने खर्चों में कोई परेशानी ना आए और ना ही उस सेविंग को आप बंद करने की सोचे। चलो अब दूसरी बात के बारे में बात करते हैं जो आप इस कहानी से सीख सकते हैं, वो बात है सेविंग के लिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग करना। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि हर मंथ छोटी सेविंग करने के बजाय एक बार में ही बड़ी अमाउंट सेविंग में डाल देंगे, तो ऐसा करने से आपके हर मंथ के खर्चे बिगड़ जाएंगे और ऐसा होने से कभी भी आप सेविंग नहीं कर पाओगे और इससे आपको कोई फायदा भी नहीं मिलेगा। इसलिए हम आपको यही सलाह देते हैं कि आप कभी भी अपनी सेविंग को एक बड़ी अमाउंट पर फोकस ना करिए, बल्कि आप ये कोशिश करिए कि हर मंथ इस स्टोरी के जैसे ही एक छोटी नोट को लेकर सेविंग में ऐड करते जाए और इस सिलसिले को हमेशा बनाए रखने की कोशिश करिए। अब नेक्स्ट है तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आप सीख सकते हैं, वो ये है कि अपनी सेविंग से आप कभी भी कोई उम्मीद ना करिए। इस स्टोरी में पत्नी सेविंग करने के लिए जो भी छोटी नोट उठाती थी उस नोट से उनके परिवार को कोई उम्मीद नहीं थी, मतलब कि उन पैसों से उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए था। क्योंकि छोटी अमाउंट सेविंग करने के लिए अलग करते हैं तो उस सेविंग को आप भूल भी सकते हैं और उस अमाउंट को बढ़ने का मौका दे सकते हैं। इसीलिए ग्रो होने के लिए आपको भी अपनी सेविंग के साथ यही करना है और आपको इस पैसों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, मतलब उन पैसों से कोई भी खर्च नहीं करना है। और आप अपनी सेविंग को अगर बाहर निकालते हैं तो उन पैसों को सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए ही निकालना है, मतलब इन पैसों से कोई भी खर्चा नहीं करना है। और ऐसा करने से ही आप अपने पैसे जल्दी और इजीली सेव कर पाएंगे और इसकी वजह से आप उस अमाउंट से सबसे ज़्यादा फायदा भी उठा पाएंगे और आप अमीरी की तरफ बढ़ पाएंगे। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप कोई बड़ी सेविंग करेंगे तो आज ही उस ख्याल को अपने माइंड से निकाल दो और छोटी छोटी सेविंग करना शुरू कर दो, तो आप लोग इजीली आगे बढ़ पाओगे। अब आप लोगों में से कई लोग ये सोचेंगे कि हमारी इनकम तो कम है और उस वजह से हम हमारे पैसों को सेव नहीं कर पाते, तो उनके लिए हम न्यू वीडियो जरूर लाएंगे। और अगर आपको अपने पैसों को इजीली मैनेज करना है तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, हमारे वीडियोज आपको बहुत हेल्प करेगी।